इस वीडियो के अंदर मैं आपको फैशनेबल क्लोथ्स के बारे में बताऊंगा विंटर्स के लिए। जो क्लॉथ नंबर वन है वो है टर्टल नेक। टर्टल नेक मैं बताऊं, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप जो भी टर्टल नेक लो वो एकदम फिट लो, एकदम ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा लूज, ठीक है। और सोबर कलर्स में लो, सोबर कलर्स में लोगे ना तो पेयरिंग के लिए इजी रहेगा। और कलर कॉम्बिनेशन की वीडियो बना रखी है, लास्ट में जाके देख लेना, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखोगे, टर्टल नेक जैसा कुछ नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, टर्टल नेक एकदम ओपी लगते हैं। तुम उस पर मतलब चेल्सी बूट्स पहन लो, ब्लैक जीन्स पहन लो, ऊपर कोई भी पहन लो, ब्लू पहन लो, क्या बोलते हैं ब्लैक पहन लो, ऑल ब्लैक कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। और उस पर ब्लेजर भी पहन सकते हो, ब्लेजर से और आउटफिट अपलिफ्ट हो जाएगा, सेमी फॉर्मल टाइप भी वो काम करेगा। तो ये टर्टल नेक पहनो, बहुत ही अच्छे लगोगे। और जब एकदम प्रॉपर फिट के पहनोगे तब तो क्या लगोगे यार तुम। नंबर टू है बूट्स। बूट्स यार, अब विंटर्स आ गए तो बूट्स तो पहनने पड़ेंगे, एकदम फैशनेबल चीज़ है यार। तुम विंटर के अंदर एकदम ओपी बूट्स पहन सकते हो। बूट्स पहनोगे ना उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और तुम एकदम माचो मैन की तरह लोगे। जो लगोगे ना, तो बूट्स पहनने के बाद ना अपना जो आउटफिट है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सच बता रहा हूँ, बूट्स लो और कोई भी बूट्स पे अराउंड 2-4,000 rupees तो खर्च करो ही करो, क्योंकि बूट्स है ना बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बहुत अच्छे ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। तो इसके लिए बूट्स में थोड़ा इन्वेस्ट करो और अच्छे बूट्स लेना। अगर आपका जैसे थोड़ा टाइट बजट है तो आप रोडस्टर के ले सकते हो, और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो स्टीव मैडन के ले सकते हो। अभी क्या आजियो पे सेल चल रही है, तो 12-12 हज़ार के शूज़ बूट्स और ये सब ये सिर्फ 6-6 हज़ार में मिल रहे हैं। तो अगर आपको बजट वहाँ तक पहुँच रहा है तो वहाँ जाके ले सकते हो। जो थर्ड टाइप का है ना वो है स्वेटर। अब यार लोग है ना स्वेटर पहनते ही नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, स्वेटर बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत गजब चीज़ है। अगर तुम अंदर शर्ट पहन लो और फिर बाद में उसके ऊपर स्वेटर पहन लो, बहुत ही गजब लुक आएगा, सेमी फॉर्मल लुक आएगा और एक बहुत नेचर वाइब दोगे तुम सामने वाले को, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यार जो लोग बोलते हैं ना, नहीं स्वेटर तो क्या ही पहनूँ मैं बता रहा हूँ स्वेटर बहुत अच्छे लगते हैं, पहनो एक बार, ट्राई करो और फिर देखना, तो इतने सेक्सी लगे ना, मेरे को थैंक यू बोलोगे बहुत सारे। जो पॉइंट नंबर फोर है वो है लेदर जैकेट। लेदर जैकेट ना देखो दो तरीके के आते हैं, एक तो आते हैं पॉलिस्टर के और एक आते हैं एक्चुअल लेदर के, वो जेन्युइन लेदर जो आता है ना उसके आते हैं। तो अगर देखो मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि देखो लेदर जैकेट है ना कोई बहुत मतलब बार बार नहीं लेते हैं, वो लेते तो एक ही बार लेते हैं, तो थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करो, कोई अच्छी कंपनी का लो, ठीक है। और वो लेदर जैकेट जब तुम पहन के निकलोगे ना, तब एक अलग ही वाइब आएगी, बाकी सबसे बहुत अलग लगोगे। और बहुत सारे अलग अलग तरह के लेदर जैकेट आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग है ना लेदर जैकेट लो तो एक्चुअल लेदर का ही लो, पॉलिस्टर का मत लो, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको मेंटेन करना थोड़ा भारी होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा उसका ध्यान रखना। ध्यान नहीं रखोगे तो वो लेदर जैकेट महंगा वाला भी खराब हो जाएगा। इसके लिए लेदर जैकेट लो तो बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना और अच्छे से पहनना। जो पॉइंट नंबर फाइव है वो है डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट क्या, अब जैसे वो डेनिम से बना हुआ जैकेट, ठीक है, जो बहुत अच्छा लुक देता है, बहुत कैजुअल लुकिंग में बहुत अच्छा है वो। तो जब आप पहला ले रहे हो तो आप लो डार्क ब्लू कलर का, उसके बाद अगर आपको और लेना है तो लो ब्लैक, और उसके बाद भी आपको लेने का मन है तब जाके लो लाइट ब्लू, ठीक है, वो जो लाइट ब्लू कलर का आता है वो तब लो। ये तीन तरह के आते हैं, और आजकल स्वेड वाले भी मटेरियल के आ रहे हैं, स्वेड मटेरियल के, वो तो जो लगते हैं मैं सच बता रहा हूँ इतने गजब लगेंगे ना, तुम आग लगा दोगे हर जगह। और आजकल क्या हो रहा है कि डेनिम जैकेट का जो कॉलर होती है ना उसके अंदर फर वाले आते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। बहुत लोगों को लगता है यार इसमें तो फर है, इसमें मज़ा नहीं आया, सबसे ज़्यादा फैशनेबल ही वही है। तो जाओ अगर आपको वो कहीं मिल रहा है ना तो वो जल्दी से ले लो, क्योंकि यार वो है ना मेरे को भी चाहिए थे पर वो मेरे को मिले नहीं, इसके लिए बता रहा हूँ। जहाँ जब भी वो मिले ना वो ले लो, या मेरे को है ना गिफ्ट कर लो, चलेगा मेरे को। पॉइंट नंबर सिक्स है वो है स्कार्फ। वो देखो बहुत लोगों को लगता है कि यार स्कार्फ तो एकदम पुराना हो गया, लोग ऐसे करके ये सब करते रहते, नहीं स्कार्फ बहुत ही फैशनेबल है। तुम जिस दिन टर्टल नेक पे स्कार्फ पहन के एक बार खुद को मिरर में देखोगे ना तब देखना तुम, यार तुम एकदम आग लगा दोगे, इतने सेक्सी लगोगे ना, सही बता रहा हूँ। तो स्कार्फ लो, स्कार्फ दो तरह के लो, एक तो कोई सोबर कलर का ले लो, कोई एकदम सोबर कलर प्लेन कलर का, और एक क्या बोलते हैं पैटर्न वाला ले लो, चेक्स वाला ले लो या कोई भी ले लो। तो दो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये स्कार्फ लो, बहुत ही सेक्सी लगोगे और वो जो आपका लुक है ना वो बहुत एनहेंस हो जाएगा। टिप नंबर सेवन है वो है फ्लैनल शर्ट। अब ये क्या है, ये होते हैं मोटे मटेरियल के शर्ट, देखे वो चेक्स में मिलते हैं, और मेरे को पर्सनली H&M के पसंद है, H&M पे बहुत अच्छे मिलते हैं, 2500 में आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आप वो किसी के ऊपर भी पहन सकते हो, टी शर्ट पे पहन सकते हो, बाद में क्या बोलते हो हुडी के ऊपर भी पहन सकते हो। और वो जो पतले लोग हैं ना वो उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लेयरिंग हो जाती है ना, तो उससे जो कुपोषित क्या जो पतले लोग हैं
वो थोड़े हेल्दी लगोगे, कुपोषित नहीं लगोगे। तो आप ये पहन सकते हो और अच्छे लगोगे, सच बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करो। और H&M पे भी सेल लग रही है तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। हाँ तो देखो जो बोनस टिप है ना वो है हुडी। अब देखो हुडी है ना, मतलब तुम कहीं पे भी पहन के जा सकते हो, सेमी फॉर्मल में नहीं, फॉर्मल में नहीं, कैजुअल में। कैजुअल में तुम कहीं पे भी कुछ भी, अगर तुमको ऐसा हो रहा ना कि तुमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहन के जाऊँ, एक हुडी लो, डाल लो, निकल जाओ, ठीक है। पर हुडी के कलर का ध्यान रखना, हुडी में कलर थोड़े अच्छे लेना, थोड़े सोवर लेना, ठीक है। H&M पे बहुत अच्छे हुडी मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। आप टॉमी से भी ले सकते हो, टॉमी के तो बहुत एकदम कंफर्टेबल और बहुत अच्छे हैं। तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको कुछ हुडी दिख रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी हुडी ले सकते हो और एकदम अपने विंटर को हॉट कर दो। ये जितनी भी चीज़ें बताई एकदम फॉलो करो, पहनो, ये खरीदो और आग लगा दो, विंटर को हॉट कर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।